पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दहेज के दानव ने आज एक और जान ले ली। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना बिलारी का है। आपको बता दें कि गांव कमालपुर चंदौरा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दहेज लोभी परिवार ने कार की मांग पूरी ना होने पर अपनी बहू को आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बहू के परिवार की माने तो 3 दिन पहले ही मायके से इसके ससुराल वाले बुलाकर लाए थे। अक्सर ये दहेज में कार की मांग करते थे और हमारी बहन के साथ मारपीट करते थे। आज इन्होंने बहन पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा परिवार आग लगाने के बाद से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर लाश को कब्जे में ले लिया। पूरी घटना पर एसपी देहात का कहना है कि जांच कराई जा रही है, सत्यता सामने आते ही कार्यवाही की जाएगी। फोन किया गया था कि ऐसे ऐसे महिला को बुला के मार दिया गया है। हम मौके पर आए, मौजूद में आकर देखा तो महिला मृतावस्था पड़ी। जी, कोई महिला के ससुराल वाले भी मिले या नहीं मिले हैं? हाँ, उनके पिताजी मिले हैं, एक उनके जो है परिवार के हैं, घर वाले हैं। लड़की पक्ष आ गए हैं? लड़की पक्ष मौजूद है, पिताजी धर्मपाल सिन्हा वो मौजूद है। ये ऐसा हुआ था, ये पहले गाड़ी मांग के था दहेज में। ये पहले उनके घर में बहुत विवाद चलता था, इसी के लिए विवाद चलता था कि कभी ये पानी पर चले जाते थे, दीदी को हमारी छोड़ जाते थे। तो आज इन्होंने जो हमारी बहन को आग लगा के मार दिया। इन्होंने जो है इन्होंने हमारे पास फोन नहीं किया, गाँव वालों ने हमें सूचना दी है। ये बहुत परेशान रखते थे हमारी दीदी को। अभी मैं दीदी को 3 दिन पहले अपने यहाँ पे छोड़ कर गया था, चीखा जी, मैं खुद छोड़ कर गया था। फिर उन्होंने हमारी दीदी को 3 दिन के अंदर मार दिया। 3 दिन मुझे अभी छोड़ घर पे कोई मांग चल रही थी है? कोई मांगते क्या? हाँ, मांग भी थी, मोटरसाइकिल मांगते थे, कहते तू लंगे घर की है, ये है फलाना तमाम करके गाली बकते थे हमारी बहन को। मामला क्या है, इनका विवाद चलता रहता था, कोई गाड़ी लेके अपने ससुराल से। हाँ, और क्या तेरे बाप ने दिया क्या है? हमें हमेशा यही कहते थे और कई बार मारी थी, निकाल दी थी। मैं पुलिस में FIR करने जाता था तो रिश्तेदार मुझे रोक लेते थे तो तुम इस तरह का विवाद मत बनाओ। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, इन्होंने सुबह ही अपनी मार के जला दी। इन सगरे बाप बेटों ने जलाई है और इनकी माँ भी साथ में है। बिलारी थाना क्षेत्र में ग्राम चंदौरा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, वैधानिक कार्यवाही जारी है। सर, क्या ससुराली पक्ष पे आरोप जो लग रहा है, क्या ससुराली पक्ष पकड़ा गया कोई अभी? नहीं, अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, उनके द्वारा तहरीर लिखी जा रही है। आगे की पुलिस की जो पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई होती है वो की जा रही है और इसमें शीघ्र ही सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।